मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी में। आज हम बनाएंगे गणपति जी के फेवरेट मोदक। आज हम बनाएंगे मावा मोदक, पर हम बगैर मावा के बनाएंगे। स्वाद आपको बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि आप बाजार से मावा वाले मोदक खाते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना अपनी मोदक। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई को हमने नीचे से गैस को खोला नहीं है, इसी तरह से कढ़ाई को रखा है। इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, नेस्ले का लेंगे, ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ही इससे जो है स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती हैं। इसमें अब हम डालेंगे दूध। जिससे हमने मेजरमेंट लेके जिस कप से हमने मिल्क पाउडर डाला है उसी से हम दूध डालेंगे। हम इसमें आधा कप जो है दूध का डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। हमने मिक्सी के जार में पीस ली है इसको, आप पिसी पिसाई बाजार से भी ले सकते हैं। तो ये हमने डालनी है 3 टेबलस्पून। आप मीठा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें चीनी के डाल दी है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस खोले के बगैर ही हमने जो है इसको मिक्स कर लेना है। तो लीजिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं है इसमें। अब हम नीचे से गैस को ऑन कर लेंगे। अब बिल्कुल हल्के फ्लेम पे जो है इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए, इसका मावा ना बन जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा होने लगा है, खोए की शेप में ये आने ही वाला है। बस कुछ देर हम इसको और हल्के फ्लेम में जो है इसी तरह लगातार हिलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। काफ़ी गाढ़ा हो गया। इस स्टेज पर इसमें सिर्फ 1/3 स्पून थोड़ा सा ही बिल्कुल हम इसमें देसी घी डाल देंगे और इसको मिक्स करके डालते ही आप देखेंगे कि पैन छोड़ने लगा। ये देखिए पैन छोड़ने लगा ये। तो ये इस स्टेज में हमारा खोया बन चुका है। इसको निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। तो खोया हमारा ठंडा हो चुका है। हाथ को थोड़ा सा कर लेंगे चिकना इस तरह से और थोड़ा सा ये निकाल लेंगे। इसको डालेंगे अपने मोदक मोल्ड में। मोदक मोल्ड को भी खोलकर थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। तो ये ग्रीस हो गए। अब इसके ऊपर हम रखेंगे पिस्ता इस तरह से। दोनों साइड में हम पिस्ता रख देंगे इस तरह से और अपना खोया उठाएंगे इस तरह से और इसके ऊपर लगा देंगे। बंद कर देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको बाहर निकाल देंगे और इस तरह से यहाँ से इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। अच्छे से दबाते हुए प्रेस करेंगे इसको खोलेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मोदक बना है। दोबारा से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से क्या होता है कि हमारा चिपकेगा नहीं मोदक। पिस्ता लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा, आप चाहे ज़्यादा लगा सकते हैं। सुंदर लगता है, टेस्टी तो लगता ही है। तो लीजिए हमने पिस्ता लगा लिया दोनों तरफ। ये अपना खोया उठाएंगे इस तरह से। खोया भी बहुत ही बढ़िया बनता है, ये बहुत ही यम्मी होता है खाने में। लीजिए इस तरह से इसको लंबा कर लेंगे और इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से पलट देंगे इसको और प्रेस कर देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे बाहर। खोल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है आपके सामने। इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाजार से भी सुंदर, इतना अच्छा तो बाजार में भी नहीं मिलता है जितना ये बढ़िया लग रहा है। इसी तरह से हमने बाकी के मोदक भी बना लेने फिर से, क्योंकि आजकल बाजार से कोई खोया नहीं खरीद रहा है, इसलिए हमने घर में ही बिना खोए की इस तरह के खोए वाले मोदक बनाकर बहुत ही बढ़िया बाजार जैसे तैयार कर लिए हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी बने। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएंगे आपको। आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।